ब्लड को फिनिश करते हैं स्काउट, तो पेन स्पोर्ट्स आल्सो गॉट एलिमिनेटेड, एक पोजीशन अपने टीम के लिए ऊपर एंड एक और किल अपने टीम के लिए ऊपर लेके आ चुका है यहां पर स्काउट। Yes, and यहाँ पे MX स्काउट पे रश करते हुए, पर स्काउट का स्प्रे आते हुए एंड MX के स्नैक्स को नॉक किया एंड यहाँ पे स्काउट को फिनिश ऑफ कर दिया पैराडॉक्स ने। MX सरवाइव कर जाती है, टीम X पार्क यहाँ पे छठे पोजीशन पे निकलते हुए। हम आ चुके हैं आठवें जोन में, पांच टीम 13 लोग अभी बचे हैं एंड यहाँ पे माहौल काफी गर्म हो जाना है क्योंकि 4v2 v2 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 है भैया। क्यूरियो ने स्पॉट कर लिया उसको एंड निक्सन को क्या बेहतरीन नॉक के पास कितना किल है डोंट नो, अभी देखने को मिलेगा। मस्ट नंबर थोड़ा ओपन में आया था, स्वैग उसको प्ले करना चाह रहा है, लेकिन आई थिंक थक भाई ये लास्ट एंड फाइनल सर्कल है एंड ये लास्ट इन फाइनेंसर का किक इन होना शुरू हो गया है। अब देखने मजा आएगा कि MX और 8bit और स्नैक्स को एश यहां पे डैमेज देते हुए स्नैक्स बहुत बढ़िया से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। MX की टीम MX के बंदे वहां पे रश करते हुए गॉट किल लॉक हो गया। क्यूरियो को यहां पे केयरफुल रहना होगा, सिम के एक बंदे को लॉक किया, एश टीम को भी वहां पे उन्होंने होल्ड बैक करके रखा है। यहां पे पैराडॉक्स लॉक होते हुए जोन के बाहर से, वहां पे स्वैग लॉक होते हुए यहां पे एश को नॉक किया MX के स्नैक्स ने। यहां बहुत कुछ चल रहा है, एश लॉक हो चुका है, अभी लास्ट बंदा बचेगा एंड अब हमें पता नहीं किसने चिकन डिनर निकाला एंड यहां पे एंड यहाँ पे एक बिग चिकन डिनर निकालते हुए 6 किल के साथ, सिन सेकंड स्पॉट 8 किल के साथ एंड MX बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। उन्होंने शायद अपने टीम के लिए 3-2 यहाँ पे ये ब्लाइंड चाहे तो वेजी और विशियस को अगर ड्रॉप कर दिया फिनिश ऑफ कर दिया। यहाँ पे 12 किल ब्लाइंड निक ब्लाइंड अपने लिए ऑलरेडी 5 किल लेते हुए एंड आई थिंक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ब्लाइंड का टीम ने फाइनली गेम दिखाया, अच्छा कमबैक दिखाया। वहां पे TS रौनक को नॉक कर चुका है, स्काउट ने कवर फायर में NH के LR2 को फिनिश ऑफ कर दिया। TX फिर से टॉप 3 में, SYN टॉप 2 में, इट्स अ 2v2v1 सिचुएशन एंड अब हमें देखना होगा कि लास्ट में ये कौन सी टीम है जो चिकन डिनर निकाल पाता है क्योंकि तीनों टीम्स के ऊपर जोन है। यस yes, सही बोला आपने एंड उधर टीम एक्स के पास अच्छा खासा रिच का कवर है, उसका स्काउट अपने टीममेट रौनक को वहां पर रिवाइव दे देगा, दोनों बंदे हिला फोल लेंगे एंड सिनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर ध्यान दोगे उन लोगों के पास भी 7 किल्स है एंड टीम एक्स को जितना हम लोगों को देखा था अच्छे खासे किल्स निकाल चुका है। ब्लाइंड के स्क्वाड इस मैच में 12 किल के साथ डोमिनेट कर रहे हैं, जो 3 स्क्वाड है अच्छे खासे किल्स निकाल चुके हैं। नेक ब्लाइंड के पास जोन बन चुका है, कैन ही क्लच इट आउट? सिनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस अगर टीम एक्स का फाइट हो जाता है, नेक ब्लाइंड यहां से चिकन डिनर ले सकता है। बहुत ही सही रिएक्शन फ्रॉम नेक, पीछे चले गए, पीछे का रिच एकदम एज ऑफ द रिच होल्ड करने वाला है एंड आई थिंक यहां से वो हिल लूट करने वाला है थोड़ा बहुत, अगर हिल बैटल के लिए आ जाए लास्ट फाइट में। थक भाई यहाँ पे ब्लाइंड का बहुत ही प्यारा स्ट्रेटेजी था वो कि वो, पर उसको अब यहाँ पे ये भी वो सही काम करे कि वापस हाइट पे जा रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहेगा कि क्या वो थर्ड पार्टी का कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। पर SYN के दोनों बंदे उसके ऊपर पूरा आते हुए रश करेंगे एंड वहां से थर्ड पार्टी हो गया, पर वो TX स्काउट के झांसे में आ गया। टीम X यहाँ पे 13 किल के साथ ऑलरेडी, स्काउट और रौनक 2v2 सिचुएशन, SYN वर्सेस TX एंड यहाँ पे अगर टीम X चिकन डिनर निकाल लेती है तो आई थिंक ये दिन उनको डेफिनेटली याद आएगा, पूरा डोमिनेशन हम कह सकते हैं। यहाँ पे TX रौनक पीक ले रहे हैं पर अभी तक किसी को स्पॉट नहीं किया है। क्यूरियो और हिटमैन काफी स्प्रेड आउट है, स्काउट ने शायद हिटमैन को स्पॉट कर लिया क्योंकि मुझे रौनक का एक नेड आता सा दिख रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि स्काउट उसको गाइड कर रहा होगा। यस yes, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि स्काउट के पास हीलिंग के लिए कुछ नहीं है, तो वो लिटरली 30-40% HP के साथ ही इस पोजीशन में फाइट ले सकता है। रौनक के पास सिर्फ 80% का एंड स्काउट के यहाँ पर वही नॉकआउट करते हुए, बहुत ही प्यारा नॉक बाई हिटमैन। अभी सिनर्जी के लिए बहुत ही सही टाइम है, रौनक अपने टीम के लिए स्मोक बना रहा है, क्या रौनक अपने टीममेट को इधर बचा पाएगा? हिटमैन इधर पुश करते हुए एंड हिटमैन को बहुत ही प्यारा नॉक बाई रौनक, 1v1 सिचुएशन राइट नाउ, दोनों टीम अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है लेकिन हिटमैन यहाँ पर बहुत ही सही डिसीजन बाई हिम, एक नेट करते 2v2 पे फिर से आ चुके हैं हम लोग। थक भाई उसको स्पॉट कर लिया एंड आई थिंक समवन सिचुएशन रौनक और क्यूरियो के बीच में, क्यूरियो को भी काफी डैमेज दे चुका है, अगर रौनक यहां पे हिटमैन को डैमेज दे देता है तब रौनक के पास कॉन्सेप्ट रहेगा। पर यहां पे बहुत ही प्यारा स्प्रे एंड सिनर्जी गेमिंग चिकन डिनर लेते हुए टोटल 9 किल के साथ TX का बेहतरीन प्रदर्शन, टोटल 13